नमस्कार व्यूअर्स, पावर ऑफ मार्केट के एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट के अंदर जैसा कि एक्सपेक्टेड था, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की मंगलवार की जो वीकली एक्सपायरी थी, कल के वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि जो एक्सपेक्टेशन बन रही है वो थोड़ा बेरिशनेस की बन रही है और उसके पीछे बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये था कि अमेरिका के अंदर जो FOMC की मीटिंग मिनट्स भारतीय समय अनुसार बुधवार को रात 12 बजे आना है, उसके पहले ज्यादातर टाइम में देखा गया है कि मार्केट अगर लाइफ टाइम हाई के नजदीक है तो थोड़ा सा साइडवेज और प्रॉफिट बुकिंग आती है। खासकर जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस को स्क्रफ करते हैं और मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिलता है। दूसरा, इसके अलावा कोरोना के भी कुछ मामले बढ़ रहे हैं, ये मार्केट के अंदर नेगेटिव सेंटीमेंट। ऐसे और भी जापान के अंदर अर्थक्वेक आया है, ऐसे कई फैक्टर्स थे। और इसके अलावा कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अब थोड़े समय के लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन में जा सकते हैं, और उसी हिसाब से हमने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का कल जब वीकली एक्सपायरी की चर्चा आपसे की थी तो आपको बताया था कि थोड़ा सा फ्लैट या नेगेटिव साइड पे वीकली एक्सपायरी होती है, उसी हिसाब से टर्न अराउंड हो सकती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट वीडियो में आगे भी चर्चा करने वाले हैं। और कल बैंक निफ्टी की 2024 की पहली वीकली एक्सपायरी से आपको क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए वीडियो में आगे बताने वाले हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में कल हमने क्या डिस्कशन किया था, किस हिसाब से मार्केट पैन आउट हुआ और कल की क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, और इसके अलावा बहुत सारे आपको जो मार्केट के इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स, स्टॉक स्पेसिफिक जो चर्चाएं हैं वो वीडियो में आगे रहेंगी। पावर ऑफ मार्केट लगातार ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को लेकर अपने व्यूअर्स के लिए लगातार जो है वीडियोस तैयार कर रहा है। इसके अलावा हमने आज आपको रनिंग मार्केट में, लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल पावर ऑफ मार्केट्स का जो टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन करिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे पावर ऑफ मार्केट अवेलेबल है, चाहे फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन से प्लेटफॉर्म पे पावर ऑफ मार्केट का जो व्यूअर बेस है वो लगातार बढ़ रहा है। हमारा काम है रिलायबल और ऑथेंटिक फाइनेंशियल एनालिसिस और डेटा का एनालिसिस आपके सामने रखना। इक्विटी मार्केट के या फाइनेंशियल एसेट क्लासेस के जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, कोशिश कर रहे हैं कि साफ और सिंपल शब्दों में आपको समझा सके। पावर ऑफ मार्केट की टीम के लिए आपको केवल एक ही सपोर्ट करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो आप लगातार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करिए। आपके जितने भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे ग्रुप हैं, वहां पे इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि यूट्यूब से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। अब चलिए सीधे चलते हैं निफ्टी के टेक्निकल सेटअप की तरफ। सबसे पहले निफ्टी का टेक्निकल चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी का अगर आप टेक्निकल सेटअप देखेंगे तो डेली और वीकली चार्ट पे अभी भी लॉन्ग टर्म का ट्रेंड मजबूत बना हुआ है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी 2 घंटे और 1 घंटे के चार्ट का जब हम एनालिसिस कर रहे थे मजबूती दिख रही है, पर इंट्राडे बेसिस पे 5 मिनट 15 मिनट और 30 मिनट के चार्ट का जब हमने एनालिसिस किया थोड़ा वीकनेस आ रही है। कल के लिए अगर हम सबसे पहले रेसिस्टेंस की बात कर ले रहे हैं, 21,750 काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, उसके बाद 21,850 का काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। सपोर्ट की अगर बात करें तो 21,500 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और उसके बाद में 21,200 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओवरऑल निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके रडार पे होना चाहिए, पहला पॉइंट है कि कल हमने आपसे 21,575 के सपोर्ट की बात की थी, आज 555 के आसपास से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है। अब इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक निफ्टी स्पॉट 21,500 के ऊपर रिटेन है, कोई मेजर वीकनेस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे ही 21,500 के नीचे चला जाएगा और क्लोजिंग दे देगा तो फिर एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म करेक्शन निफ्टी स्पॉट में देखने को मिल सकता है, तो ये लेवल आपके रडार पर होना चाहिए। ऊपर की अगर हम बात करें तो 21,750 काफी इंपॉर्टेंट चार्टिस्टिक लेवल है। हमारा ये मानना है कि अब 21,750 एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन बन गया है। जब तक निफ्टी स्पॉट इस जोन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक कोई मेजर बुलिशनेस आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ओवरऑल हमारा ये मानना है कि कल भी आपको जो है साइडवेज तो थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी स्पॉट की। बैंक निफ्टी स्पॉट की सबसे पहले हम इसका टेक्निकल सेटअप देखते हैं तो लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर अच्छा है। इंट्राडे बेसिस पे आज वीकनेस देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने जो है आपसे कल 48,000 के सपोर्ट की बात की थी, आज आपने देखा होगा कि जैसे ही 48,000 के सपोर्ट को बैंक निफ्टी स्पॉट ने तोड़ा है, 200-250 पॉइंट की तेज गिरावट देखने को मिली है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सपोर्ट की अगर बात करें तो 47,400-46,900 के कल के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रेसिस्टेंसेस की अगर हम बात करें तो 48,100 और 48,450 के आसपास का काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। कल बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी है उसका कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि बैंक निफ्टी की कल जो वीकली एक्सपायरी, हमारा ये मानना है कि ये भी कल थोड़ा सा बेरिश टू फ्लैट रह सकती है, नेगेटिव साइड पर होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें कि किन लेवल्स के आसपास एक्सपायरी हो सकती है, तो बैंक निफ्टी स्पॉट में हमारा ये मानना है कि कल की जो एक्सपायरी है ये 47,350 से लेकर 47,400 के आसपास हो सकती है। और ऊपर की तरफ अगर बात करें
तो हमको नहीं लगता कि 48,100 के लेवल किसी भी तरीके की वीकली एक्सपायरी होने की पॉसिबिलिटी है। मार्केट के अंदर आज यूएस मार्केट कैसे पैन आउट होते हैं ये केवल एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। रात में हम आपको ग्लोबल मार्केट की भी पिक्चर जो है बताएंगे कि किस तरीके से इस मार्केट जो है अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव है। अब देखते हैं किस हिसाब से कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है। बात करते हैं सेक्टोरियल पर्सपेक्टिव की। तो सेक्टोरियल एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी फार्मा का जो इंडेक्स है काफी मजबूत आज रहा है। आपको ध्यान होगा कि दो इंडेक्स हम आपसे जो है पिछले एक महीने से चर्चा कर रहे हैं, निफ्टी रियलिटी और निफ्टी फार्मा, दोनों के अंदर शानदार बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है। तो निफ्टी फार्मा का इंडेक्स कल के लिए भी बुलिश साइड पर रह सकता है। वीकनेस की अगर बात करें तो कल के लिए निफ्टी ऑटो, निफ्टी प्राइवेट बैंक में वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। निफ्टी ऑटो में आज जो वीकनेस हुई उसका प्रमुख कारण है ऑटोमोबाइल कंपनीज के जो मंथली सेल्स के नंबर निकल के आए हैं। कई कंपनीज के नंबर मार्केट को पसंद नहीं आए, चाहे अशोक लेलैंड की बात करें, पर दूसरी तरफ टाटा मोटर के काफी अट्रैक्टिव नंबर निकल के आए हैं। तो एक ओवरऑल जो मंथली सेल्स का नंबर है उसमें M&M और टाटा मोटर्स में जहां एक तरफ पॉजिटिव डेटा निकल के आया है, तो दूसरी तरफ अशोक लेलैंड जैसी कंपनीज के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ओवरऑल हमारा ये मानना है कि ये डायवर्जेंस इंडिकेट कर रहा है कि अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में खासकर टाटा मोटर और महिंद्रा जैसे प्लेयर जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले भविष्य में कर सकते हैं। तो ये सेक्टर रोटेशन के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक जो न्यूज थी, आशा करते हैं कि आपको न्यूज पसंद आई होगी। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट की तरफ अगर चले तो सबसे पहले यूएस मार्केट से स्टार्ट कर रहे हैं। यूएस मार्केट थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा था जब हम ये वीडियो बना रहे थे। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स 50 पॉइंट करीब करीब पॉजिटिव चल रहा था। यूरोपियन मार्केट की अगर बात करें तो यूरोपियन मार्केट से भी सिग्नल जो है वो ग्रीन साइड पे, पॉजिटिव ट्रेडिंग चल रही है। चाहे फिटसी की बात करें, कैक और डेक्स जैसे जो इंपॉर्टेंट यूरोपियन मार्केट के इंडाइसेस हैं वहां पे पॉजिटिव इंट्राडे ट्रेडिंग देखने को मिली है। एशियन मार्केट की बात करें तो मिले जुले संकेत हैं, जहां एक तरफ हैंगसेंग और चाइना के जो इंडाइसेस है वहां पे जो है गिरावट का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ नेक्काई और कॉस्पी में थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। ओवरऑल जो एशियन मार्केट से सिग्नल है वो मिक्स लग रहे हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं टाटा मोटर से। टाटा मोटर दोस्तों एक तो पैसेंजर व्हीकल में भी है, साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल में भी, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनी ने एक इनिशिएटिव लिया है और आज के टाइम पे कई ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के टाटा मोटर के मॉडल हैं जो मार्केट को पसंद आ रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी के जो सेल्स के नंबर निकल के आए हैं दिसंबर महीने के काफी पॉजिटिव नंबर निकल के, उसके बाद स्टॉक में आज एक शानदार रैली देखने को मिली है। दूसरी बात यह है कि कोल का जो दिसंबर महीने का प्रोडक्शन का डेटा निकल के आया है जो खासकर कोल सेक्टर में भी कंट्रीब्यूट करता है, नंबर अच्छा 8% से ऊपर का नंबर निकल के आया है। तो जो कोल प्रोडक्शन की ग्रोथ है उससे कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के शेयर में भी एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला, आगे भी रैली कंटिन्यू रह सकती है। तीसरी बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड को जो है कोई ऑर्डर मिला है जो कि काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। चार्ट की बात करें 60-65 रुपए के आसपास से हमने लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर आपसे चर्चा की थी कि स्टॉक के अंदर चूंकि कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, द काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स ये कंपनी बनाती है, कई इलेक्ट्रिक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाती है जो आगे चल के कई कंपनीज के अंदर जो है यूटिलाइज होते हैं, तो ओवरऑल कंपनी काफी साउंड लग रही है और ये न्यूज इसमें जो है एक और पॉजिटिव फ्लेवर एड ऑन करेगी। ओवरऑल बात करें तो कल का जो मार्केट है वो मेजरली जो वेट कर रहा है वो अमेरिका के शाम को भी जो नंबर निकल के आना, और इसके अलावा FOMC मीटिंग मिनट्स के भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे जो डेटा निकल के आना है, इसके अंदर बेसिकली मार्केट की नजर ये होगी कि इन्फ्लेशन को लेकर मेंबर्स के बीच में क्या डिस्कशन हुआ, आगे इंटरेस्ट रेट की जो ये साइकिल जो राइजिंग साइकिल है ये रुकेगी और इसमें गिरावट का दौर आ सकता है क्या, और तीसरी बात यह कि अमेरिका की 2024 के लिए फेडरल जो वहां का बैंक है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर क्या प्रोजेक्शन है। तो इसको लेकर जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के मेंबर्स के बीच में डिस्कशन होता है जिसमें फेड चेयरमैन मिस्टर पॉवेल भी हैं और भी कई इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो इनके बीच में क्या चर्चा हुई है ये जो है एक डिस्कशन आउटकम निकल के आता है। तो आशा करते हैं कि कल जो है आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप BTST STVT पोजीशंस लेके जा रहे हैं गुरुवार सुबह के लिए तो आपको हैच के साथ में जाना चाहिए। कोशिश तो आपको ये करना चाहिए कि इंट्राडे में पोजीशन स्क्रब कर लें, पर अगर आप फिर भी पोजीशन ले जाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर हैजिंग के साथ में स्प्रेड बना के काम करना चाहिए, और स्प्रेड बनाने में ऑप्शन की कई स्ट्रेटजीज हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो आपको जो है पावर ऑफ मार्केट की टीम की वेबसाइट में भी हमने कोर्स लॉन्च किया है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से डिटेल में सीखना चाहते हैं, पर अगर आपको बेसिक्स आते हैं और आप स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे करीब करीब 40-42 वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें ऑप्शन स्ट्रेटजीज की अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग मार्केट्स के ट्रेंड के हिसाब से आपको स्ट्रेटजीज मिलेंगे। तो यही स्ट्रेटजीज का फायदा होता है कि आप इसमें स्प्रेड बना के मार्जिन रिड्यूस कर सकते हैं और अपने लॉस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि पावर ऑफ मार्केट टीम का आज का जो वीडियो वो आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।